वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी को मेरे न्यू वीडियोस में। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरा तबीयत थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, और जैसे कि मैं आप लोगों को मम्मी से मिलाई थी पिछले वाला ब्लॉग में, ठीक है। और अभी मैं जस्ट बैठी हुई, मम्मी लोग अभी छत पे गए हुए उधर बाबू को लेकर, थोड़ा वो लोग अभी ऊपर में खेल रही है, भाई के साथ है, मम्मी की मम्मी भाई बाबू तीनों लोग हैं। मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, मैं बोली कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं थोड़ा देर यहाँ पे बैठे रहती हूँ करके। फिर आई हुई थी, मैंने सब कुछ तो बना देते हैं करके, फिर मैंने घर पर आज क्या बनाई हूँ आप लोग को ही दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए आप ही लोगों को मैं दिखा देती हूँ आज मैं क्या बनाई हूँ स्पेशली, ठीक है। मैंने बनाया था चिकन, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। आज मैंने ग्रेवी चिकन नहीं बनाया था, बल्कि आज मैंने चिकन आया था नॉर्मल सूखा सूखा नहीं होता जो भूनने वाला, ये वाला मैंने बनाया था चिकन, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। यार हमेशा तो बनते ही रहता है, मैंने सोचा आज कुछ थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ऐसे उसके मैं फिर बनाई थी। और मैं हमेशा गर्म पानी पीती हूँ, मुझे प्यास भी लग रहा था, पता है मैं आजकल इतना कॉर्नी बन गई हूँ कि क्या ही बताऊंगी, कुछ भी मतलब बुखार जब से हुआ है तब से ऐसा मन करता है सो के रहो, ऐसा मन फील होता है। मौसम भी आजकल जैसे मौसम खराब था अभी 2 दिन में, आप लोग को पता ही होगा, तो मौसम की वजह से क्या हुआ ना सबको फीवर वगैरह आ रहा है, क्या करेंगे गाइस, मौसम ऐसा होता है। तो मैं फिर से बैठ गई हूँ पानी वानी पी के। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, अभी जैसे कि हमारे जितना सूट आने वाला है उसकी वजह से हम लोग को बहुत सारा ये शॉपिंग वगैरह करना था, तो उसमें से हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका था। लेकिन जो गोलू का जो धोती नहीं लाए थे हम लोग, रेडीमेड वाला धोती लाए थे, क्योंकि मैं को धोती बनाना आता नहीं और ना ही गोलू को धोती बनाना आता है, तो हम लोगों ने रेडीमेड वाला खरीदा था, एक रेड कलर का धोती एक येलो कलर का धोती, ठीक है। दो धोती हुआ था, धोती, ठीक है, उसको हम लोग धोती बोलते हैं। उसके बाद एक कुर्ता लिया था जो कि येलो कलर का था, ठीक है, तो वो तो हमारे कम से कम 2 चाहिए था, ऊपर से एक जैकेट था। तो फिर हम लोगों ने, फिर इनका फ्रेंड जो डांसर है तो वो, उन्होंने सजेस्ट किया कि कम से कम वाइट धोती तो ज़्यादा अच्छा लगता है, येलो वाला नहीं लेना चाहिए, तो कुर्ता ले लिया वो, ठीक है, बट यार धोती येलो क्यों ले रहे हो ऐसे करके। तो हम लोगों ने सोचा अच्छा चेंज करवाते करके देखते हैं, अब शाम में जाएंगे चेंज वेंज करवाते हैं, अगर करता है तो ठीक है दुकान वाला, अगर नहीं करता है तो। और ऐसे भी आज दसवीं है, विसर्जन है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो सकता है, अब देखते हैं जाएंगे कि नहीं जाएंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब देखें शाम को जाना पड़ेगा और थोड़ा देर में देखते हैं क्या होता है। अभी मैं आप लोग को मेरा एक ड्रेसअप दिखाने वाली हूँ जो कि कल सूट के लिए काम आएगा, ठीक है। एक दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, सब कुछ अभी दिखा दूंगे तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा, फिर मज़ा कहाँ आएगा। तो मैं एक दिखाती हूँ, देखिए ये मैंने घाघरा बनवाया हुआ था, तो ये रहा उसका वो टॉप है, टॉप बनवाया हुआ था, ठीक है, इस टाइप का डिज़ाइन है जैसे कि देख सकते हैं। ये आप सोच रहे हैं, ये पता है, नोटिस करो, ये साड़ी था मेरा, ठीक है, ये मैंने साड़ी से बनवाया हुआ था, तो साड़ी मुझे पहनने में जितना मज़ा नहीं है ना, तो मैंने सोचा ना इसको अगर लहंगा बनवा दिया जाए ना तो बहुत सही रहेगा। तो ये उसका ब्लाउज है, ठीक है, और तो ये रहा लहंगा। स्पेशली मैंने ये वाला जो था ना, ये मैंने झुमका खरीद की दुकान से, मतलब स्पेशली अलग से खरीद के इसको लगवाया था कि अच्छा लगा, और ये कलर मुझे मिल भी गया था तो मुझे बहुत पसंद आया। और आप लोग देख सकते हैं ये रहा लहंगा, ये रहा, मतलब इसका कोई कमी नहीं है, जैसे ये देख सकते बहुत सही है, मतलब जितना होना चाहिए बहुत सही लग रहा है। और इसका जो ये नीचे वाला जो है ये पट्टी वट्टी, ये बहुत सही लग रहा था, ठीक है, तो मैंने बोला ये ले लेते हैं बनवा लेते हैं, फिर मैंने फिर बनवा लिया। तो ये मेरा कल का रहने वाला है ड्रेस, आप लोग कैसा लगा बताएं, ठीक है। अभी मैं इसको रख देती हूँ क्योंकि गंदा हो जाएगा, तो फिर कल पहनेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पे एनी लोग के पास आए हुए हैं, क्योंकि हमने बोला हुआ था एनी को कि मुझे साड़ी दे दे और जयंत का जो धोती है वो दे दे। अचानक ऐसा हुआ, अब दुकान जो चेंज करने के लिए गए हुए थे वो दुकान के पास भी बंद था, और फिर उधर का क्या है ना, लाइट का जो कलेक्शन है वो कट हो गया है, मतलब कट दिया गया है, अब बस हम लोग को तरफ इधर था और बाकी यहाँ पे है थोड़ा बहुत, बाकी उधर नहीं था, ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा हो गया है। तो कोई नहीं, देखते हैं, आप बोलोग आएगी जैसे ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे फिर लेके, थोड़ा ठंड भी लग रही है, ठंड का टाइम अच्छा हुआ मैं बोलूँ का जैकेट पहन लेने, तो मेरा पता नहीं क्या होता, मुझे भी नहीं पता। अब इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे सिद्धु कन्हा, हाँ सिद्धु कन्हा पार्क के सामने यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं उन लोग का। तो गाइस आ गई है नील, और देख रहे पूरा हेवी टाइप से दोनों, पूरा जयंत को देखो पूरा कैसे ठंडा वो तो है, ठंड तो है,
हम इसका पहन के आए हैं जैकेट। हाँ आप देखो ना, हम इसका पहन के आए हैं। तो गई सभी एनी लोग आई हुई थी, वो लोग चली गई। एनी का भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है बोल के बोल रही थी वो, और देखने में भी लग भी रहा था कि बहुत ज्यादा है सीरियस वाला। पूरा बोल रही थी गला वाला मैं पकड़ लिया है, जैसे मेरे को 2 दिन पहले कैसे बुखार आया था, फीवर आया था बहुत तेज वाला, वैसे ही उसका भी हुआ था। तो फिर वो लोग खाना बनाने की हालत में नहीं थी, तो फिर वो रूममेट के लिए और खुद के लिए यहाँ पे डिनर लेने के लिए बाहर आए हुए थे। फिर जयंत उनको छोड़ने के लिए रूम गया है, फिर अभी जाएंगे देंगे जयंत के, तो हॉस्टल सेट जाएंगे। और जयंत शायद अपना धोती वोती देने वाला है, अब अर्जेंटली ये वाला काम हो गया कि धोती ये, मतलब इस चीज़ को लेके कि हाँ ऐसा वैसा, तो क्या करे समझ नहीं आया, तो हम लोग को भी निकलना ही पड़ा। अब देखिए, और जैसे जैसे रात हो रहा वैसे वैसे ठंड भी बढ़ रहा है, और हम लोग अभी जहाँ पे हैं कांके में हैं, तो कांके में तो ठंड तो लगेगा ही लगेगा, आप लोग तो समझ ही सकते हैं। कई सभी हम लोग आए हुए हैं फिर जयंत का हॉस्टल, यहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। विश्वास नहीं हो रहा है, देख लो भाई यही है हॉस्टल। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और चला गया है, बोला कि आप लोग यही करेंगे हम लेके आते, क्योंकि ऑब्वियसली बॉयज हॉस्टल है और मैं अकेले लड़की अंदर नहीं ना जा सकती गोलू के साथ। जो तो हमने सोचा कोई नहीं, हम लोग बाहर में इंतजार करते हैं। यहाँ का बेर पकने वाला था, दिखाना गोलू, यहाँ का जो बेर का पेड़ है ये वाला, ये वाला। तो गाइस फाइनली जयंत ला के दे रहा है हम लोगों को इतना रात में, वो भी क्या हुआ धोए थे क्या? कोई नहीं, इसको ज्यादा अभी धार नहीं, इसको आराम से रखो ऊपर, मतलब कि गंद ना हो। वाइट भी कपड़ा है ना, और ये धोती है पुरना वाला धोती, मैंने दोनों दिया है क्या? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, उसको काटना उतना पड़ेगा पता नहीं, मुझे पता नहीं प्लास्टिक में क्या बता दो। अगर ज्यादा कुछ दिक्कत होगा तो, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो, जो मेरे पास है ना 2 रेड वाला साड़ी में बताई थी, लाल वाला लाल पारा साड़ी, मैं उसी को धोती बना दूंगी। आराम से रखो ना यार, ये कच्चा है, भीग जाए। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, जैसे कि देख सकते हैं लेके, अभी फटाफट चलते निकल जाते गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड वाला है। काम कर रही हूँ अभी से, मतलब आराम से आराम, घर पहुंचने ही वाले हैं। मम्मी फोन की थी, बाबू उठ के बहुत ज्यादा रोने लग रहा है घूम के, गैस ताला मार दिया है। देख रहे कैसे ताला मार दिया है, अभी टाइम भी कितना हुआ है, अभी 10 भी नहीं बजा, इतना जल्दी मार दिया है। फोन करो मम्मी को, बाबू का रोने का आवाज आ रहा है। हाँ बोल रहे हैं ना, नीचे आइए ना, थोड़ा ताला मार दिया है कोई। हेलो, हाँ बोल रहे हैं नीचे आइए ना, ताला मार दिया है कोई। अब जाके चुप गया थोड़ा, नहीं तो रो रहे थे इसका बुरा हाल था, तो मेरा मेन बोल रात में हमको छोड़ के कहाँ चला गया था ना। गाइस अभी बहुत ज्यादा रो रहा था, वैसे इतना जल्दी कभी जिंदगी में कभी ऐसे टाइम में नहीं उठता है, कभी भी नहीं उठने का उसका टाइमिंग है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, मतलब इधर 11 बजे से लगातार 6-5 मतलब सुबह सुबह कर देता है, लेकिन इतना जल्दी अभी 10 भी नहीं बजा है, इतना जल्दी उसको उठने का टाइम ही नहीं होता है। हम लोग गए 40 मिनट में, फटाफट लौट के भी आ गए।